तो दोस्तों, अगर आप एक नया फ़ोन खरीदने का प्लान करते हो तो इसके लिए क्या करते हो, या तो आप YouTube पर वीडियो देखते होंगे या आप शॉप पर जाते होंगे और दुकानदार से बोलते होंगे कौन सा फ़ोन अच्छा है। देखिए, अगर आप YouTube पर आते हैं और किसी फ़ोन को सर्च करके उसका रिव्यू देखते हैं तो ज़रूरी नहीं वो फ़ोन का रिव्यू हो, वो एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर फ़ोन का एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और इसे गलत नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये उनका काम है। क्योंकि जब भी कोई फेमस या सेलिब्रिटी बन जाता है तो कंपनियां उसको अप्रोच करती हैं अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए। अगर आप टीवी पर भी देख सकते हैं कि कोई सेलिब्रिटी अगर किसी क्रीम का ऐड कर रहा है कि आप इससे गोरे हो जाएंगे, तो सच में तो नहीं होते हैं और ये उस सेलिब्रिटी को भी पता है आप नहीं होंगे, पर इसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसे मिले इसलिए वो कर देता है। अगर आप एक दूसरा उदाहरण लें, अभी करोड़पति बनने के काफ़ी एप्लीकेशन चल रहे हैं, जैसे घर बैठे लूडो खेलिए और करोड़पति बनिए, या IPL पर अपनी टीम बनाइए और करोड़ों जीतिए। और उन्हें भी पता है करोड़पति तो बनेंगे नहीं, पर फिर भी वे इस तरीके का ऐड करते हैं क्योंकि कंपनी उनसे अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन कराती है जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। तो कहने का मतलब यह है, YouTube पर आप सही पता नहीं लगा सकते हैं कि यह फोन आपके लिए सही रहेगा या नहीं। और दूसरी चीज, आप इसके अलावा ऑफलाइन मार्केट में चले जाते हैं दुकानदार के पास और वहां जाकर उससे पूछते हैं कि कौन सा फोन अच्छा है, तो वो आपको वही फोन बताएगा जिस पे उसको ज्यादा कमीशन मिल रहा है या उसने जिस फोन की डीलरशिप ले रखी होगी। तो आप उससे खुद जाके मत पूछिए कि कौन सा फोन अच्छा है, आप खुद रिसर्च करिए कि आपके लिए कौन सा फोन अच्छा रहेगा। और ये रिसर्च कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको कोई भी रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको आपका बजट डिसाइड करना है कि आपको किस बजट में फोन चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि उस बजट में कौन कौन से फोन कौन कौन सी कंपनी के आ रहे हैं। और आपको देखते टाइम ये भी करना है कि फोन ज्यादा पुराना ना हो, यानी कि उसे लॉन्च हुए 2-3 साल नहीं हो गए हो, 1 साल तक अगर वो लॉन्च हुआ है तो चल सकता है। अब आपने जो लिस्ट तैयार की है उसमें 5-10 फोन हो सकते हैं जो आपके बजट में आ रहे हैं। अब उनमें से एक को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या नहीं करना है ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। सबसे पहले, ये ज्यादातर ऑफलाइन मार्केट में होता है कि आप फोन बड़ा देखकर ले लेते हैं, आप सोचते हैं बड़ा फोन है तो महंगा फोन होगा, तो ऐसा नहीं होता है। फोन बड़ा होगा, प्लास्टिक के डब्बे में एक सड़ा सा डिस्प्ले लगाकर आपको दे देंगे, अंदर भले ही उसके कंपोनेंट बहुत पुराने जमाने के लगे हो तो आपके लिए वो फोन सही नहीं रहेगा। तो साइज देखकर फोन ना लें, बाकी आजकल सारे फोन अच्छे साइज के ही आ रहे हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो आप गलती करते हैं, फोन कभी भी डिजाइन देखकर ना लें, क्योंकि हो सकता है आपको 4 साल पुरानी डिजाइन पसंद आ रही हो पर वो आउटडेटेड हो चुकी है और आप वो पुरानी डिजाइन देखकर पुराना फोन ले लेंगे जो आज के समय में बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाएगा। समय के अनुसार टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, डिजाइन भी बदलती रहती है, तो कंपनियां जो नए फोन लॉन्च कर रही है उसमें नए प्रकार की डिजाइन लॉन्च करती है और वही आपको लेना चाहिए। और तीसरा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, दुकानदार से या यूट्यूब से फोन के बारे में ना पूछें कि कौन सा फोन बेहतर है। अब हम आते हैं, अब आपको उस फोन में क्या देखना है। तो देखिए, अगर आप एक बजट स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 रुपए तक का, तो इसमें आपको सारे फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे कि परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, बैटरी भी अच्छी हो, डिस्प्ले भी अच्छा हो, कैमरा भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा मिलेगा तो वो फोन तो फिर फ्लैगशिप बन जाएगा जिसकी कीमत 50,000 से 1.5-2 लाख रुपए तक हो सकती है। और फोन को चूज करते टाइम आपको 4 चीजें देखना है, एक है परफॉर्मेंस, दूसरा है कैमरा, तीसरा है डिस्प्ले और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको लोग नोटिस नहीं करते हैं, वो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अब उन सब पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस किन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है? देखिए, अगर आप मल्टीटास्किंग ज्यादा करते हैं या आपको एक गेमिंग फोन पसंद है तो आप ऐसा फोन चूज करें जिसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। और इसके लिए फिलहाल की कंडीशन में जो मार्केट में फोन अवेलेबल है उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ, आईकू और पोको दो ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे फोन बना रही हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। सेकंड है कैमरा। अगर आप किसी फोन को इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको फोटो खींचने या सेल्फी लेने का बहुत शौक है तो आपको इस तरीके के फोन पसंद करना पड़ेगा। और इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, फोटो के लिए स्पेशली सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी के फोन आप ले सकते हैं, इनके कैमरे नॉर्मली अच्छे रहते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने का, बैटरी। अगर आप ज्यादा कट फोन चार्ज करने का समय कम रहता है या आप ट्रैवल ज्यादा करते हैं, आपको एक एक दो दो दिन में फोन चार्ज करना रहता है, तो आप देखिए बैटरी अच्छी होना चाहिए उस फोन में। और आजकल कम रेंज में भी 6,000 mAh तक की बैटरी आ रही है और इसके लिए चार्जिंग भी देखें, कम से कम 25 वाट की चार्जिंग उसमें होना जरूरी है ताकि वो इतनी बड़ी बैटरी को जल्दी ही चार्ज कर दे। इसके बाद चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है जो आजकल लोग नोटिस नहीं करते हैं, वो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। आजकल कई कंपनियां 1 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल तक का सॉफ्टवेयर
सपोर्ट देती हैं, तो आपको जो ज़्यादा समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे आपको वह कंपनी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रोज़ कुछ ना कुछ हर महीने नए फीचर आ रहे हैं, और अगर आपके फ़ोन को अपडेट नहीं मिलेगा तो वो नए फीचर आपके फ़ोन में ऐड नहीं हो पाएंगे। और अगर आप किसी फ़ोन को 2 साल 3 साल 4 साल तक उपयोग करने वाले हैं तो उसके लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी के लिए भी और नए नए फीचर्स के लिए भी। तो आप देखिए इसमें सबसे जो टॉप पर कंपनी है वो है सैमसंग, जो मिड रेंज स्मार्टफोन तक को भी 4 साल तक के या 3 साल तक के अपडेट प्रोवाइड कराती है। उसके बाद 3 साल तक के अपडेट प्रोवाइड कराने वाली भी काफ़ी कंपनी है, जैसे कि वन प्लस हो गया, रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, शाओमी हो गया। इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 2 साल तक के अपडेट देती हैं और कुछ कंपनी ऐसी है जो 1 साल तक के अपडेट देती हैं, तो आप इन सबको भी देखिए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों इन 4 चीज़ों को अगर आप किसी फ़ोन में देख लेते हैं तो आप खुद अपने हैंड से अच्छा फ़ोन चूज़ कर सकेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।